जिला कांग्रेस कार्यालय में आपका स्वागत बंधन भवन में। आज कल एक मीटिंग के दौरान हमारी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कुछ किसानों की चर्चाएं आई थी कि नहरों में पानी टाइम से छूट जाता है, उसको लेकर हमारे दल दोनों विधायकों ने यहाँ एक किसानों को आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे नहरों के पानी के लिए गांव मेन केनाल पे हम वहां धरने पे बैठे। इसको लेके जिला प्रशासन तो शायद कहीं से सूट न पहुंचे, जिला प्रशासन ने आनंद फानंद में दोनों विधायकों से संपर्क किया, मुझसे भी किया था। मैंने कहा आप हमारे विधायकों से बात करिए। विधायकों से बात करने के बाद माननीय कलेक्टर महोदय की क्या आश्वासन और क्या चर्चाएं हुई कि हमारे दोनों विधायक आपको बताएंगे। क्या बात हुई प्रशासन ने, क्या बोला आपको पानी को छोड़ने को? देखिए कल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल ये फैसला लिया गया था और प्रशासन की चेतावनी भी दी गई थी कि हम लोग आज धरने पे बैठेंगे। सुबह ही जो एसडीएम साहब हैं टिमरनी के, उनका फोन आ गया था और प्रशासन का फोन भी आ गया था। उनका ये कहना था कि आप लोग धरने मत बैठिए, आपकी जो खबर है ये ऊपर भोपाल तक गई है और आज कमिश्नर साहब द्वारा बैठक कर दी गई है। उस बैठक में उनका कलेक्टर जो हमारे हैं खुद स्वयं वहाँ जा रहे हैं और आज शाम को उन्होंने कहा था कि जो भी तारीख है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये बैठक जो थी इसका कोई निर्णय नहीं लिया गया था। कल कमिश्नर साहब ने बैठक ले ली थी, हमारे जिले कलेक्टर साहब को नहीं बुलाया गया। अब जो भी चेतावनी गई होगी, दबाव प्रशासन आया होगा, इस कारण से उन्होंने आरोप बैठक रखी। उस बैठक में हमारे जिले कलेक्टर साहब को बुलाया गया है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है 25 तारीख तक पानी छोड़ने की वो हम रख देंगे और आपको पानी 25 तारीख को वहां से छूट जाएगा। उनके आश्वासन पे हम लोग धरने पे नहीं बैठे। लेकिन उसमें हमने एक चीज और देखे आए हैं और लिखित में देखे आए हैं कि 25 तारीख को नहर छोड़कर अगर 28 तारीख तक हमारे जिले के किसानों को पानी नहीं मिला तो 28 तारीख के बाद हम लोग फिर धरने पे बैठेंगे और इसका पूरा पूरा जो जिम्मेदार हो गया वो जिला बता देंगे। अधिकारी 25 को छोड़ देंगे, उनकी तरफ से बर्ताव गया कि मतलब फाइनल छोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि आज बैठक में जा रहे हैं, हमारी तरफ से 25 से पहले ही हम छोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और हमने जो अल्टीमेटम दिया कि 25 तक आप छोड़िए, उन्होंने कहा था आपके जो मांग है उसको हम पूरी करवा देंगे। आज बैठक में जा रहे हैं, 6 बजे तक जो भी अधिकृत सूचना होगी कर। जैसा कि ये जो समय है ये बड़ा संकट वाला समय है, अगर थोड़ी थोड़ी भी देर होती है तो आगामी जो फसल है वो ठीक से जो है वो हो नहीं पाएगी। बिल्कुल आपका कहना बहुत सही है कि क्या होता है, हर वर्ष यही होता है कि हरदा जिले के किसानों को पहले पानी मिलता है कि हमारे यहाँ मूंग की फसल बोई जाती है और जो होशंगाबाद के किसान है वो ज्यादातर धान की खेती करते हैं, दोनों पानी लेट लगता है। उनका प्रयास रहता है कि जितना पानी लेट छूटे उतना उनके लिए अच्छा है, हमारा प्रयास रहता है जितना जल्दी छूटे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। इस चीज से अवगत मैंने कलेक्टर साहब को करवाया, हम दोनों ने करवाया, दोनों ने करवाया उसको कि अगर आपने देरी करी 28 तारीख 30 तारीख को पानी छोड़ा अगर तो फिर जो होशंगाबाद है नवदाचल जो है विभाग वहाँ के लोगों को भी पानी लगने लग जाएगा उस जिले में भी और शिवनी मानवा में पानी लगेगा और उसके बाद क्या होगा कि जो पानी 36 घंटे में हमारे जिले में आ जाता है ना छूटने के बाद वो फिर कम से कम 5 दिन तक नहीं आ पाएगा। वहाँ हडप भी लगेंगे, वहाँ किसान भी पानी भी लेंगे, जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी और फिर एक बहुत बुरी स्थिति बनेगी, इसलिए उसको देखते हुए पानी जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। आज जो मुख्यमंत्री कलेक्टर साहब से उसमें बिल्कुल हमने जैसे बताया ये चर्चा हुई और चर्चा कलेक्टर ने बुलाया हम लोगों को, बात की, बात करने के बाद उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया कि मैं तो ये बात रख रहा हूँ कि शाम की मीटिंग में कि हमको कल ही छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने आश्वस्त हुए, हमने कहा ठीक है हमको हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 तारीख तक देते हैं, 25 तारीख तक छोड़वा दें और 28 तारीख को पानी आ जाए हमारे किसानों को तीन दिन, क्योंकि इसका नेचर है वहाँ होशंगाबाद से छूटेगा तो होशंगाबाद वाले पहले रोक लेंगे। अगर अभी आपको अगर कभी 20 तारीख से पानी देते प्लान जो हमने किया था या बैठ के किसानों के खाकर बैठ के बात की प्लान किया था कि 18 तारीख से निकल जाए 20-21 को आ जाए, तो 20-21 अगर आ जाता तो 8-10 दिन पहले यहाँ हरदा का पानी हो जाता। इसके बाद वहाँ जब 30 के बाद लग रहा है होशंगाबाद वालों को तो यहाँ दिक्कत मारावारी नहीं पड़ती थी, उसके बाद वो ले लेते फिर 8 दिन बाद फ्री करा जाता, फिर 8 दिन बाद अगर उनको मिल जाता तो उसका शिफ्ट बन जाती तो किसी को तकलीफ नहीं होती और होशंगाबाद को भी पानी प्राप्त मिलता, हरदा को भी प्राप्त पानी मिलता। पर ये अधिकारियों के द्वारा
इस तरह का प्लान नहीं बनाया जा रहा है, इसके कारण सबको परेशानी हो रही है। तो वो चीज़ हमारे बात करके आए, डॉक्टर साहब को बता के आए कि हर बात को पहले दे दीजिए और वहाँ बाद में लग रहा है तो बाद में वहाँ दे दीजिए, दोनों का सफिशियंट हो जाएगा, और नहीं तो फिर एक ही पानी वहाँ से छूटेगा। इसलिए मैं ये आप वहाँ हरदा को भी दोगे और सड़ा को भी दोगे तो दोनों जगह का रुकेगा पानी, दोनों जगह का ठहरेगा पानी, लोग देंगे तो निश्चित व्यवस्था पानी बनना है और किसान आमदनी के लड़ाई झगड़े फसल की चालू हो जाएगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि हरदा के लिए पानी लग रहा था हरदा पहले तो दीजिए, 8 दिन बाद वहाँ फिर दे दीजिए। तो उन्होंने स्वीकार किया और ये प्रदेश साहब को आज डिस्कस करेंगे, बोले डिस्कस करने के बाद शाम को छोड़ने के बाद आपको स्पष्ट कर देंगे कि क्या हो रहा है पानी की क्या स्थिति है। अभिजीत शाह, आपके टिमनी विधानसभा का एक गांव है राजा बरारी, वहाँ एक टोला है महागांव, परसों हम लोग गए थे तो वहाँ देखा कि नल जल योजना पिछले 9 महीने से बंद है, वहाँ एकमात्र कुआ है पेयजल के लिए, उस पूरी तरह सूख चुका है। 1 किलोमीटर दूर से महिलाएं पहाड़ी से नीचे उतरकर और फिर पानी सिर पर रख कर बर्तनों में और वापस आ रही है। जो पानी वो गंजाल नदी से लेकर आ रही हैं वो पानी भी सूंघने लायक नहीं है, इतना दूषित और गंदा पानी है। तो हमने उसका वीडियो भी डाला है। ये जानकारी परसों मेरे संज्ञान में आई थी। महागांव की जब बात करें 2018 में भी मैंने विभाग के अधिकारियों से बात की थी और सचिव से बात की थी, 2018 में और 19 में वहाँ पे नल जल योजना का काम किया गया था। लगभग 700 मीटर जो है वहाँ पे GI की लाइन लगाई गई थी, लेकिन कुछ घटिया क्वालिटी की नहीं होगी क्योंकि GI के पाइप 200 साल चलते हैं, 300 साल चलते हैं, वो मात्र कुछ 40 सालों में खराब हो गई, लीक होने लगी है और चलने लगे कि नहीं बची है। इसलिए मेरी PHE भाग से बात भी हुई थी, उससे बात हुई सचिव के अंदर साहब को तो 5 लाख खर्चा आ रहा है, 5 लाख का जो खर्चा वहन पंचायत नहीं कर सकती। PHE भाग से मेरी बात उसने कहा कि साहब हैंड ओवर कर चुके हैं, पर दोनों के बाद दोनों से बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि PHE विभाग अपनी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी और सचिव वहाँ के मतलब पंचायत है और PHE विभाग दोनों मिलकर जो लाइन है उसके जो थ्रेड्स हैं वो खराब हो चुके हैं, उस थ्रेड को काट के न्यू थ्रेड करा के उसको आगे लाइन बढ़ाई जाएगी और उसके बाद में जो कम पड़ेगा वो नए पाइप वहाँ दे दी जाएंगी। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर उस जो समस्या है उसको हम सुलझा देंगे। मेरे संज्ञान में ये बात आप बता रहे हैं 9 महीने से वहाँ पे शायद बहुत तकलीफ हो रही, मेरे संज्ञान में परसों ये बात आई थी, वहाँ के जो निवासी उनका फोन मेरे पास आया था और आते ही तत्काल मैंने PHE विभाग और जो वहाँ का पंचायत है दोनों संपर्क किया था और आने वाले कुछ दिनों के अंदर सुलझा देंगे। थैंक यू। आज हमने कलेक्टर महोदय को एक लेटर लिखा, विगत कई वर्षों से यहां किसानों को मूंग का पानी मिलता है, तवा डैम में पर्याप्त पानी, प्रशासन पानी पहुंचाता है, लेकिन आज भी हरदा जिले को बहुत सारे तेल क्षेत्र के ऐसे गांव हैं जहां आज तक पानी मूंग का नहीं पहुंचा, ये सबसे बड़ी विडंबना है। जबकि हेड टू टेल पानी प्रशासन का नियम है कि हेड से जो पानी छूटेगा वो टेल तक जाएगा, और जब डैम में पर्याप्त पानी है तो तेल क्षेत्र के किसानों को आज तक मूंग के पानी से क्यों वंचित रखा गया, प्रशासन क्यों नहीं पहुंच पा रहा। ये 25 गांव के कल किसान मेरे पास आए थे, मैं आज लेकर कलेक्टर महोदय को लिखा हूं, ये इन गांव में आज तक मूंग का पानी नहीं पहुंचा जबकि डैम में पर्याप्त व्यवस्था है पानी की, तो फिर उन किसानों के साथ भेदभाव क्यों। ये सबसे बड़ा मामला है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं हमारे, आप जहां भी जाएंगे इस पट्टी में भी जाएंगे, इस पट्टी में भी स्थिति, यहाँ भी रनाई के नीचे पानी नहीं जाता, इधर सुखराज में पानी नहीं जाता, हमारे बड़े अब गांव के नीचे आज तक कभी मूंग को देखा नहीं किसानों में, मूंग क्या चीज होती है, देते हैं पर्याप्त आगे हेड टू टेल तक, तो फिर मूंग में देने में क्या दिक्कत है। होशंगाबाद के जो लगे उनके टेल क्षेत्र तक मिलता है, माइनरों में पानी जाता उनके, हमारे मेन केनाल में पानी नहीं जा रहा अब गांव के नीचे। जगह ऊपर पड़ता है उसमें पानी नहीं छोड़ते, बहुत सारे हरदा और टिमनी दोनों विधानसभा के बहुत सारे ऐसे टेल के गांव हैं जहां पानी चाहे प्रशासन तो थोड़ी सी व्यवस्था करके पहुंच सकता है।
कर्मचारी बढ़ाना अपने बस पानी बहता नाल के नदी नालों नदी नालों में इतना वेस्टेज जाता उसी को रोक के नहीं है रोक पर्याप्त व्यवस्था कर रहा है नहीं है इसके कारण से पानी मिल पा रहा है तो हमारा हरदा जिला पूरा का पूरा सूचित हो रहा था जहाँ भी नहरें हैं सवा नहर वहाँ पूरा का पूरा मुंह में पानी मिल और क्या है कि उनकी सक्रिय अधिकारी कर रहे हैं कि ये लोग तैयार थे नहर भी निकाल रहे उनका सीधा सीधा जैसे ही कम उत्पादन होगा तो लिखा जाते ही नहीं है सीधा सीधा अधिकारी भी नहीं है अधिकारी भी नहीं जबकि किसान ये बोल चुके हैं कि तनखा हम देंगे आप आपके रिटायर्ड कर्मचारी विभागीय कर्मचारी आप उनको बिठा दें वो व्यवस्था संभाले यदि शासन पैसा नहीं देगा तो किसान पैसा देने को तैयार है लेकिन उस मेंटेनेंस की व्यवस्था संभाले पिछली बार भी आया था मामला मुद्दा किसानों ने स्पष्ट बोला था तो क्या होता है मुंह का पानी एक मात्रा में लगता है थोड़ा तेज लगता है दूसरी बात क्या होती है किसान उसमें फिर आपसे भी विवाद करते इसलिए यदि प्रशासन के कर्मचारी लगा दे पुलिस व्यवस्था कर दे कोई जाएगा ही नहीं